जी स्कूल्स एंड कॉलेज से जाना है। अच्छा अच्छा राइट, आईआईटी के पढ़ा लिखे आप? हाँ जी। क्या बात, पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को मैं उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ओआरपी। ओआरपी ओआरपी मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग। अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ओआरपी अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा एक्सपेंड होती है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव ओआरपी में जाएंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी उसकी ओआरपी बहुत ज्यादा होती है, इट इज अराउंड 400-500+। दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि गंगा की ओआरपी क्या होगी? इट इज ऑन द गोमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव। गोमुख में नेगेटिव है? नेगेटिव है जी। यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है हाँ। ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, अब यहाँ पे इट इज नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ओआरपी लेवल नेगेटिव है यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी अल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है, पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है करोड़ों अरबों साल से बह रहा है वो स्रोत यही है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे सोचो